आवाजों का है। यहाँ पर मेरे अच्छा रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते थे ये क्या वजह है जो तवक्कुल जो हजरत मुजद्दद साहब ने फरमाया है। लेकिन बड़े राज की बात है, कुछ बंदू को समझ आएगी कुछ को नहीं आएगी, लेकिन नसीब नसीब की बात है। हाँ जी, लंगर बांट देना चाहिए जिसको मिल जाए। फरमाते थे कि ये क्या वजह है, बहुत मुश्किल मुश्किल मकाम पे लाए। पर मैं वजह ये है कि असल में जब बंदा सुन्नत अदा कर रहा होता है तो वो रूहानी तौर पर ख्याल में हुजूर के करीब होता है। उस ख्याल में हुजूर के करीब होता है कि हुजूर ने ऐसे हाथ धोए, हुजूर ने ऐसे मुसवाक की, सरकार ने ऐसे कंघा शरीफ किया, हुजूर ने ऐसे तेल मुबारक लगाया, हुजूर ने शलवार पहनते वक्त ये साइड इस्तेमाल फरमाई, हुजूर ने ये लबास इस्तेमाल फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी ने आप ऐसे चले, आप ऐसे बोले। तो जब बंदा सोच कर वो अमल करता है तो ख्याल में उनके करीब होता है। तो फरमाया असल में तो मकाम यही है ना कि उनके करीब होना, उनके करीब है तो रब का हबीब है। और क्या मर्तबा लेके करना है, क्या मर्तबा, मर्तबे है क्या, जो उनके करीब है वो रब का, वो क्या है, बोलो बोलो, रब का हबीब है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ आने वाली है, आज नियत करो कि 12 वो सुन्नतें जो मैं आगे नहीं करता, 12 सुन्नतों पे अमल करो। कितनी, बोलो, ऊंचा ना बोलो, इरादा करो। हाँ जी, अब बोलो इंशाल्लाह ऊंचा, गिन लो कि मैं ये सुन्नत नहीं अपनाता, ये तो जो फर्ज पी जाता है उसका क्या इलाज है। कितने लोग हैं जिन्होंने इशा भी नहीं अभी पड़ी होगी, नारे तो लगा रहे, उस वक्त तक तू किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकता जब तक तू फर्ज अदा नहीं करता। जब तक तू हराम नहीं छोड़ता उस वक्त तक तू बिल्कुल हलाल असर नहीं करेगा। विलायत का सादा सा उसूल अगर वली बनना है, आप में से कोई बंदा बन सकता है, मैं आपको नुस्खा दे देता हूं, फिर खिलाफत लेने की भी जरूरत नहीं। आजकल को तो खिलाफत का मतलब है कि अपनी गद्दी बना लो, कारोबार चमका लो, कुछ उधर दे दो कुछ खुद रख लो। एक ब्रांच खोल लो, इसीलिए तो रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है, तुम भी मेरे खलीफा। अच्छा, खलीफा हिस्सा हमारा भी है, कुछ तुम रख लो लेकिन सारे बराबर नहीं होते। सुभान अल्लाह वाले भी जी ऐसे है, बदगुमानी से किसी से नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वली बनने का सादा सा नुस्खा है, और नुस्खा भी नबवी नुस्खा है। कैसा, बोलो, नबवी नुस्खा है। सरकार से पूछा गया रब की दोस्ती, फरमाया हराम छोड़ दो हलाल अपना दो। क्या, हराम हलाल अपना दो, तुम रब के दोस्त बन दो। तो हराम छोड़ना है, देखने वाला भी, सुनने वाला भी, बोलने वाला भी, खाने वाला भी, सोचने वाला भी, हाथ वाला भी, पैर वाला भी, हराम छोड़ और हलाल अपना। बंदा नारे लगाए और मैसेज भी ना छोड़े, नारे भी लगाए चेतन भी ना छोड़े। पता नहीं चेतन कहते हैं या क्या कहते हैं, है जी, चीटिंग तो और होती है ना, है जी, वो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो जब फ्रॉड लगाते हैं तो कहते हैं ये चीटिंग करता है, तो वो चीटिंग होती है ना, ऐसे ही है ना। तो बंदा चीटिंग भी ना छोड़े और दुरूद शरीफ भी पढ़े, नहीं ये नहीं कि दुरूद शरीफ छोड़ दे, असल मसला है कि एसी लगाकर शीशे भी बंद करने। एसी लगाकर
तो शीशे सारे खुले हो, तो एसी भी लगा हुआ। ये मसला है आज, नमाज भी जारी है, दुरूशी भी जारी है, माफरे नाथ भी जारी है, मिलाद भी जारी है, शीशे खुले हुए, गाड़ी ठंडी नहीं हो रही, बस शीशे बंद कर, ठीक है, ये शीशे बंद कर दो। हाँ, आज मेरा दिल नहीं था बोलने को, वैसे कोई ऐसी थकावट नहीं, वैसी तबीयत नहीं थी, लेकिन फिर जब इधर बैठे और फिर सरकार के मदीने की याद आई तो फिर बंद। हालांकि मैंने इन्हें फोन पे कहा था कि बात आपने करनी है, मुझसे शायद हो ना सके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लंगर आपके नसीब में हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सरकार से वफा करो, सच्ची बात है। मैं आज एक पढ़कर एक बहुत हैरान हो गया ना, हाय हाय हाय, तो भाई जितनी नेमतें हैं ना वो सांस तक है, आंख भी नेमत, दांत भी नेमत, जुबान भी नेमत, बाल भी नेमत, हुसन भी नेमत है, कपड़े भी नेमत है, कोठी भी नेमत है, पार भी नेमत है, लेकर मौत तक। फरमाया लकद मन अल्लाह, रब ने इसलिए भी फरमाया है कि ये नेमत मौत के बाद भी है, ये नेमत मौत के बाद भी, सारी नेमतें खत्म और वो नेमत कब्र में भी काम आएगा। बता क्या कहता है, क्या कहता है, लोग खुश थे, तू भी परेशान था, लोग खुश थे कि सरकार की खुशी है, मैं सरकार की खुशी है, सरकार की खुशी है, सरकार। यार एक सादा सा उसूल है हाजी पे, बड़े सर्दी सी एक बात है और वो भी बंदे को समझ ना आए, किसी का मुर्शिद आए तो मुरीद खुश, किसी का लीडर आए तो कारकुन खुश, हाँ जी, किसी का उस्ताद आए तो शगिर्द खुश, किसी का बाप आए तो बेटा खुश, तो जिसका नबी आए तो उम्मती। तो जो मुंह बना ले जी, उससे मुंह हटा ले, जो मुंह बना ले उससे मुंह हटा ले, लखुम दीन को अब खत्म नबूवत का नारा लगो, फिर सलाम पढ़े ना, या नबी सलाम
सब के हक।